हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अचारी बैंगन मसाला। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप बोलोगे भूख नहीं है, लेकिन जब अचारी बैंगन के साथ रोटी खाओगे तो दो की जगह चार रोटी खा जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अचारी बैंगन मसाला कैसे बनाना, इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हमने 250 ग्राम बैंगन लिए, छोटे छोटे साइज के ताजा बैंगन ले लें, 250 ग्राम बैंगन है। दो टमाटर की प्यूरी बना ली, मेथी और सौंफ है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना और हल्का दरदरा कूट लेना है, और थोड़ी सी सरसों और कलौंजी, नमक स्वाद अनुसार। एक प्याज की प्यूरी बना ली, और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, सरसों का तेल, पानी और थोड़ा सा अमचूर डालेंगे, ये अलग से रखा हुआ हमने अमचूर, हल्दी मिर्च और नमक। अब इसकी डंडी थोड़ी सी काट लेंगे, हम ज्यादा नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे इतनी। इसको बीच से कट लगाएंगे, चार कट लगा लें और चेक कर लें कि अंदर से बैंगन में कई बार कीड़ा होता है, खराब होते हैं, तो इस तरह से चेक कर लें। सारे बैंगन को इस तरह से कट लगा लेना है हमने। हल्दी मिर्च को अमचूर साथ में इस तरह से मिला लेंगे, और इसको बैंगन के अंदर हमने इसको स्प्रेड करना है इस तरह से, ताकि इनमें अंदर से फीकापन ना लगे, नमक अच्छे से रच जाए और अमचूर भी खट्टापन आएगा। सारे बैंगन को इसी तरह लगा के हमने 10 मिनट तक छोड़ देना है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना है, और तेल को गर्म होने देंगे, और ड्राई रोस्ट जो मसाला किया था हमने, सौंफ और मेथी, उसको भी हमने हल्का दरदरा कूट लिया है। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हमने बैंगन डाल देने हैं, सारे बैंगन डाल देंगे एक साथ, और इसको हमने सिम कर 5 मिनट तक फ्राई करना है, तेल में ही फ्राई करेंगे 5 मिनट तक लगभग, और आंच को सिम कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। बैंगन को हमने ढक के 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम बैंगन को निकाल लेंगे किसी दूसरे बर्तन में, बैंगन हमारे हल्के हल्के पक चुके हैं। अब कढ़ाई में तेल बचा है, इसी में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। गैस को हमने तेज कर दिया, और इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको थोड़ा सा हल्का सा चला लेंगे। अब डाल देंगे जीरा, धनिया, हल्दी मिर्च, और साथ में डाल देंगे कलौंजी और सरसों, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हमने डाल देना है प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखा था। प्याज को हमने भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। प्याज हमारा हो चुका है, तेल छोड़ दिया प्याज में। अब इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं, ये 2 टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए थे, इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, और हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने बैंगन में भी लगाया था, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, तो बिल्कुल हल्का सा मसाले के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चुटकी। टमाटर भी हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हमने सौंफ और मेथी जो दरदरा कूट के रखा था इसको डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अचारी बैंगन बना रहे हैं तो अचार का मसाला तो इसमें जरूर चाहिए। अब इसमें हमने बैंगन डाल देने हैं, बैंगन को अच्छे से मिक्स करके, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है, आधी कटोरी पानी डालेंगे, ये टमाटर का धो के हमने डाला हुआ, और इसको सिम आंच कर देंगे और ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। बैंगन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, बैंगन हमारे पक चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारे अचारी बैंगन खाने के लिए तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जरूर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।